आगे बड़ी खबर आपको देखें। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की है। लाहौर में 193 स्कूल्स की चेकिंग, कोला ड्रिंक्स की फरोख्त पर 6 स्कूल्स की कैंटीनों को सील कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे, उनसे रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने ये कार्रवाई अमल मिलाई है, जिसके नतीजे में लाहौर में 193 स्कूल्स की चेकिंग की गई है, जहां से कोला ड्रिंक्स की फरोख्त पर 6 स्कूल्स की कैंटीनों को सील कर दिया गया है। कोला ड्रिंक्स की फरोख्त पर पाबंदी आयद की गई थी और इसी के नतीजे में 6 स्कूल्स की कैंटीनों को अब सील कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। लाहौर में 193 स्कूल्स की चेकिंग की गई है और इस दौरान कोला ड्रिंक्स की फरोख्त पर 6 स्कूल्स की कैंटीनों को सील किया गया है। जुर्माने भी आयद किए गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई। लाहौर में बताया ये जा रहा है कि 193 स्कूल्स की चेकिंग की गई, इस दौरान कोला ड्रिंक्स की फरोख्त पर 6 स्कूल्स की कैंटीनों को सील कर दिया गया है और इन पर जुर्माने भी आयद किए गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी जो कि शहर भर में कार्रवाइयाँ अमल में ला रही है और इसी कार्रवाई का ये नतीजा है कि लाहौर में 193 स्कूल्स की चेकिंग की गई है।